सम्मान्य साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में हम विशेष तौर से कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए हैं और आपको ज्ञात है वर्तमान में हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो मॉड्यूल हमें दीक्षा ऐप पर प्राप्त हो रहे हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं। और साथियों, जब हमने चौथा मॉड्यूल प्रारंभ किया, जैसा कि आप देख रहे हैं, चौथा मॉड्यूल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, और इस मॉड्यूल को जब हमने प्रारंभ किया तो हमको सीखने को मिला जेंडर संवेदनशीलता के संदर्भ में। और साथियों, जेंडर संवेदनशीलता क्या है इसके बारे में बहुत संक्षेप में जानते हुए इन्हीं संकेतों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जेंडर क्या है। सामान्य तौर से हम देखें, सामान्य अर्थों में तो जेंडर का मतलब होता है लिंग, ठीक है। आपको ज्ञात है लिंग दो तरह से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिससे हमको पुरुष जाति का बोध हो उसको पुल्लिंग, और जिससे स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग, बहुत सरल शब्दों में, ठीक है। और एक तीसरे जेंडर की हम बात करें जिसे हम अंग्रेजी में ट्रांसजेंडर कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम जान लेते हैं इन प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो देखिएगा, ये प्रतीक चिन्ह निश्चित तौर से आपने मॉड्यूल में इनको देखा होगा, ये सिंबल इसमें दिखाए गए थे। तो ये किस बात के प्रतीक हैं, ठीक, या किसी स्थान पर इस प्रकार के सिंबल या प्रतीक बने हुए हैं तो उनका आशय क्या होता है। आपने शहरों में या किसी विशेष स्थान पर इस प्रकार के जो है चिन्ह जरूर देखे होंगे, ठीक है। यदि ये प्रतीक चिन्ह बने हैं तो इसका कुछ आशय है, इसके लिए हमको इनका अर्थ जानना होगा कि इनका आशय क्या है। यहां पर तीन ही प्रतीक चिन्ह मैंने बनाए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले क्रम पे एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त के साइड में एक तीर का निशान, ठीक है। ये तो ये प्रतीक जो है ये पुरुष जेंडर के लिए प्रयुक्त होता है, यानी पुरुषों के लिए अर्थात लड़कों के लिए। यदि किसी स्थान विशेष पर यह प्रतीक चिन्ह बना है या किसी टॉयलेट पर यह चिन्ह बना हुआ, इसका मतलब यह है कि वो टॉयलेट जो है वो पुरुषों के लिए या लड़कों के लिए प्रयुक्त होने वाला है, ठीक है। दूसरे क्रम पे हम बात करें तो ये वृत्त का चिन्ह बना हुआ है और नीचे एक प्लस का चिन्ह बना हुआ, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो ये जो है ये महिला जेंडर के लिए या महिलाओं के लिए प्रयुक्त होने वाला या लड़कियों के लिए प्रयुक्त होने वाला सिंबल है, प्रतीक है। और ये प्रतीक यदि कहीं बना हुआ है या टॉयलेट में बना हुआ है, प्रसाधन घर में बना हुआ है, तो आशा यह है कि वो प्रसाधन घर महिलाओं के लिए प्रयुक्त होने वाला है। तो आप इन दोनों प्रतीक चिन्हों के बारे में समझ गए, और ये बहुत सरल है, इजी है, ठीक है। इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो प्रतीक चिन्ह है ये ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। प्रारंभ में ये चिन्ह ऐसे नहीं थे, किंतु धीरे धीरे करके सुधार होते रहा और ये फिर इस रूप में प्रयुक्त होने लगे हैं। और खासकर इन चिन्हों का प्रयोग बहुत स्थानों पर आजकल होता है। तो साथियों, जानना आवश्यक यह है कि ये प्रतीक चिन्ह किसके लिए है। तो अब आप इन दोनों चिन्हों के बारे में तो आप समझ चुके होंगे, ये पुरुषों के लिए और ये महिलाओं के लिए, ठीक है। यदि ये चिन्ह बना हुआ इसका मतलब पुरुषों की बात की जा रही है, और ये चिन्ह बना हुआ इसका मतलब महिलाओं या लड़कियों की बात की जा रही है। और जेंडर संवेदनशीलता में विशेष तौर से हम महिला पुरुष और ट्रांसजेंडर है इसके बारे में ही चर्चा करते हैं, ठीक है। क्योंकि जेंडर संवेदनशीलता का ज्ञान हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमको विद्यालय में पढ़ाना होता है और समावेशित कक्षा का संचालन करना होता है, इसमें जेंडर संवेदनशीलता बहुत ही अनिवार्य है। तो साथियों, इन दोनों चिन्हों को जान लेने के पश्चात हम आप जो तीसरा प्रतीक चिन्ह है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिएगा, ये जो प्रतीक चिन्ह है ये ट्रांसजेंडर के रूप में प्रयुक्त होता है, ट्रांसजेंडर के लिए प्रयुक्त होता है। और इसका जो सिंबल क्या है, एक वृत्त बना हुआ है, गोला बना हुआ है, और एक हाथ में एरो का चिन्ह और दूसरे तरफ भी एरो है, किंतु यहाँ पर कट लगा हुआ और नीचे ये प्लस का चिन्ह बना हुआ है। यदि इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह है तो उसे हम ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं। देखिएगा, ट्रांसजेंडर अब होता क्या है इसके बारे में भी हम जान लें। जैसा कि हमको मॉड्यूल में प्रशिक्षण में जानकारी प्रदान की गई है, ट्रांसजेंडर हम उस इंसान को कहते हैं जो जन्म से, मान लिया जाए जन्म से कोई पुरुष पैदा होता है या जैविक रूप से वो पुरुष है, उसका लिंग पुरुष है, ठीक है, किंतु उसके आचार विचार व्यवहार बोल चाल या हाव भाव से हमें ये ज्ञात होता है कि वो एक महिला की तरह अपना व्यवहार कर रहा है।
जैसे उसका कपड़े पहनना है ना, महिलाओं की तरह कपड़े पहनना, महिलाओं की तरह श्रृंगार करना, महिलाओं की तरह बोलना, शर्माना, इस प्रकार की अगर प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो वो ट्रांसजेंडर होता है। इसी तरह से यदि जैविक रूप से या जन्म से कोई जो इंसान है वो महिला पैदा हुआ है, अर्थात उसका जेंडर महिला है, स्त्री है, किंतु उसके आचार विचार व्यवहार से यदि वो पुरुष की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, जैसे पुरुषों की तरह कपड़े पहनना, पुरुषों की तरह व्यवहार करना, ठीक, या पुरुषों की तरह बातचीत करना, इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, ट्रांसजेंडर जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांस और जेंडर। तो ट्रांस का मतलब होता है आर पार, ठीक है, दूसरी ओर, ठीक, और जेंडर का मतलब लिंग। तो यदि पैदाइश ही कोई व्यक्ति यदि जिस भी लिंग में पैदा होता है किंतु उसके अपोजिट लिंग के व्यवहार या आचरण को दर्शाता है, तब ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। और साथियों, उसके लिए इस तरह का प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, आज के इस कालखंड में मैंने इन तीनों सिंबल्स के बारे में आपको बताया है। साथियों, आप में से बहुत सारे शिक्षक साथी इनके बारे में अवश्य जानते होंगे, और हमारे जो शिक्षक साथी शिक्षिकाएं यदि इनके बारे में नहीं जानते हैं तो उनको इस कालखंड में मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो निश्चित तौर से आप कमेंट कीजिएगा और लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।